नमस्कार दोस्तों, सुधारवादी होना, दूरदर्शी होना और मोहब्बत की दुकान खोलना निश्चित रूप से सबसे अच्छा होता है। निश्चित रूप से जब दुनिया में नफरत की दुकान खुल रही हो या कहें नफरत का बाजार हो, उसमें आप मोहब्बत की दुकान खोले तो बड़ी बात होती है। कमोबेश आज यही स्थिति है। एक संदेश राहुल गांधी की तरफ से पूरी दुनिया को जाता है कि मोहब्बत की दुकान खोलिए, और दूसरी तरफ एक संदेश नरेंद्र मोदी की तरफ से दुनिया को जाता है कि नफरत की दुकान खोलिए। जी हां, दुनिया क्यों मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, इसके लिए समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने अभी लगातार फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ में मित्रता निभाई, और वो उस मित्रता की बड़ी वजह थी नफरत की दुकान और धंधा। नफरत और धंधे की दुकान चल रही थी। हमने देखा तमाम सारी जो है खरीदी गई, चाहे राफेल हो चाहे और चीजें हो, तो सामने तो उस धंधे और नफरत की दुकान की बात इसलिए कर रहा हूं कि वहां पर किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले की स्थिति आ रही थी। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लड़ रहे थे, तो ऐसे के बीच में एक नफरत की दुकान खुली। वहां की जो पार्टी है, जो दक्षिणपंथी है यानी नफरत की दुकान चलाती है, वो नेशनल रैली जो पार्टी है उसने एक धमाकेदार जीत दर्ज की, और वो जिस तरह से बढ़ रही है लगता है कि वो वहां सरकार बनाने जा रही है। पहली बार वहां पर ये हालात देखने को मिल रहे हैं कि इतना ज्यादा नफरत का माहौल बन गया, उसको लेके बड़ी सारी चर्चाएं कि क्या उसके बाद में फ्रांस उस तरह रह पाएगा जैसा था। आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने अपने में सुधार किया था और दक्षिणपंथी ताकतों से खुद को दूर बनाया था, यानी इन कट्टरवादियों से दूर बनाया, और वो लगातार आगे बढ़ता गया और बढ़ के ऊंचाइयों पे पहुंचा। लेकिन जब आदमी को सब खाने पीने को मिलने लगता है, सब अच्छा अच्छा दिखता है, तो वो करे क्या, तो नफरत फैलाता है। जैसे हिंदुस्तान में हुआ कि पंडित नेहरू को एक गरीब भुखमरा मरता हुआ देश मिला था, और जब मिला था उन्होंने उसको एक समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में काम किया, और होते होते जब 2014 में नरेंद्र मोदी को यह देश की सत्ता मिली, तब देश का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा था। उसके अलावा देश पर सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और देश के लोगों को आगे बढ़ने के अवसर थे, पूरी दुनिया में सम्मान था, भारत के लोगों को लोग अपने यहां एकोमोडेट करना चाह रहे, पैसे के बूते नहीं काबिलियत के बूते। हम यूं आगे बढ़ रहे थे। नरेंद्र मोदी की सत्ता आने के बाद धीरे 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 इतनी नफरत बढ़ी कि यहां पर वो होने लगा जिसकी कल्पना नहीं की थी हमारे आजादी के सिपाही। आप याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में अपने पिता की इच्छा के विपरीत, उनके पिता डोमिनियन स्टेट की बात कह रहे थे और कह रहे थे अभी भारत के लिए तैयार नहीं, गांधी जी भी उनके पिता से सहमत थे, लेकिन पंडित नेहरू ने सबका विरोध करते हुए उस वक्त कहा नहीं, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। नेहरू जी उस अग्रिम और दूरदर्शी सोच के साथ सोच रहे थे, और वो कह रहे थे कि नहीं, गुलामी चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, गुलामी गुलामी हो, वो न विचार की होनी चाहिए न वो गुलामी किसी धर्म की या किसी सरकार की होनी चाहिए। और नेहरू जी के साथ
पूरा युवा खड़ा हो गया था। उस पर विचार हुआ। बहरहाल नेहरू जी के कारण वह प्रस्ताव पास हो गया और वहां पर जो प्रस्ताव बना वो अगली मीटिंग में फाइनल पास होना होता है। तो अगली मीटिंग 1929 में जब लाहौर में हुई तो लाहौर अधिवेशन में वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और जब वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो पहली बार कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों की हुकूमत को यह जवाब दिया कि नहीं, हमें आपके सत्ता में रहते हुए सत्ता पाने का सुख नहीं चाहिए, हमें हमारे इस देश के हर नागरिक को सत्ता देनी, उसको ताकत देनी है, इसलिए हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और प्रस्ताव पारित हुआ तो अंग्रेजी हुकूमत हिल गई। यह पंडित नेहरू थे जिसके बदौलत हम आज आजाद बैठे हैं और हम तय करते हैं अंग्रेजी हुकूमत नहीं। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, दुनिया में माना जाता है। बहरहाल उनकी विदेश नीति को माना जाता है। उन्हीं की विदेश नीति थी कि दुनिया के जब दो खेमे में बटी हुई थी, एक सोवियत संघ की तरफ और एक अमेरिका की तरफ, तो भारत ने एक नया आंदोलन शुरू किया था और वो था गुटनिरपेक्ष। 125 देशों के अगुआ थे, प्रधान थे हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसने क्या सिखाया था, हर व्यक्ति को, समाज के हर तबके को, अल्पसंख्यक को, पिछड़े को, आदिवासी को, वंचित को, सबको आगे आने का हक है, बराबरी का हक है और वो मिलना चाहिए। इसलिए किसी को हम इस आधार पर अलग ना कर दें कि ये बहुसंख्यक। और उस नीति ने इस दुनिया में वृद्धि का संकेत दिया। निश्चित रूप से फ्रांस भी यही सोचता था, लेकिन उस फ्रांस ने जिस इस नीति के कारण आगे बढ़ के ऊंचाइयों पर पहुंचा, उसी फ्रांस ने अब एक दक्षिणपंथी यानी नफरत वाली पार्टी को जिताने की तरफ बढ़ गया है। उसकी सरकार बन जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस कारण से मध्यम मार्गी और लेफ्टिस्ट दोनों इस बात को समझ रहे हैं कि यह देश के लिए कितना खतरनाक होगा, इसलिए इससे कैसे बचा। बहरहाल जो होगा आगे आएगा। उधर दूसरी तरफ आपको यह देखना होगा कि इंग्लैंड में पिछले 14 साल से वह कंजर्वेटिव पार्टी थी सत्ता में, जो नफरत फैलाती थी, जो भारत की आजादी के खिलाफ थी, जो हमें नीचा समझती थी, वह 14 साल से सत्ता में थी। और ऋषि सुनक, जो जब भारत अविभाजित भारत था उसके हिस्से थे, वैसे तो पाकिस्तान के रहने वाले, वो अपने आप को प्राउड हिंदू कहते थे और नफरत की प्रयोगशाला का हिस्सा थे। और जब वो नफरत की प्रयोगशाला चला रहे थे तो जनता ने, इस बार ब्रिटेन की जनता ने बताया कि हमें नफरत नहीं चाहिए, नफरत से हमारा भला नहीं हुआ। 14 साल में थोड़े दिन हमने प्राउड फील किया, लेकिन अंत में क्या हुआ कि आज ब्रिटेन में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भारत के करीब आ गई, हालात यह है बद से बदतर हो गए। और जब यह स्थिति हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और तमाम संकट हो, तो जनता कहेगी हमने गलत चीज चुन ली, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, देश का भविष्य बर्बाद हो। तब लोगों ने इसकी मांग की। तो अब सबसे बड़ी हार हुई उन नफरतवादियों की, कंजर्वेटिव की, और ऋषि सुनक को माफी मांगनी पड़ी अपने देश से। और लेबर पार्टी ने 400 पार यानी 400 पार 412 सीटें पाई, जिसका सपना देखते हैं नरेंद्र मोदी, जिसका सपना ऋषि सुनक ने देखा, तो वो 400 पार हो जाती है और वो सरकार बना।
समझिए दुनिया का बदलाव। और तीसरा देखिए, ईरान जहां कट्टरपंथी ताकत पिछले 19 साल से शासन कर रही है, ईरान की बहुत ज्यादा प्रगति हुई थी 19 साल पहले तक, शुरुआती दौर में जो कट्टरपंथी आए उसमें भी थी, लेकिन अंत में कट्टरपंथ के कारण ईरान उस स्थिति में उलझ गया कि ईरान रोज मर रहा था, और अंत में ईरान की जनता ने नकार दिया वहां के उस राष्ट्रपति के मरने के बाद। वहां की जनता ने सिंपैथी नहीं दिखाई, उसने नकार दिया और उसने उनको जिताया जो लिबरल है, जो सबको लेकर के चलने की बात करते हैं, जो सबके साथ मिलके सबका साथ सबका विकास और मोहब्बत की दुकान करते हैं। यानी ब्रिटेन में भी मोहब्बत की दुकान खुली और ईरान में भी खुली, दोनों जगह से कट्टरपंथ खत्म, लेकिन एक देश की यह स्थिति। तो आप यह समझिए, और वहीं दूसरी तरफ हम भारत में देख रहे हैं, भारत में पिछले 10 साल से जिस तरीके से कट्टरपंथी ताकतों ने, दक्षिणपंथी ताकतों ने सत्ता पर कब्जा किया है, लोगों के मन में कि हिंदू जाग गया है, ये हो गया है, वो जो प्राउड फील का है वो लेके आए, उसके कारण स्थिति क्या हुई, वही हुआ जो ईरान में हुआ था, जो इंग्लैंड में हुआ था, वही हुआ, और बर्बाद होने की स्थिति में आ गए हम। कहा कि आज हमारे यहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा सामाजिक असमानता है। चंद अदानी अंबानी जैसे तमाम अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, अंबानी के बच्चों की शादी देखिए, जैसे लग रहा है एक राष्ट्रीय त्योहार हो रहा हो, सरकार झुक कर खड़ी हो गई है, सरकार उनके लिए आदेश जारी कर रही कि ऐसी व्यवस्था होगी, ये होगा, सारे नियम बदल दिए गए, ट्रैफिक रूल्स बदल दिए गए, सब कुछ कर दिया गया। उनके प्री वेडिंग प्रोग्राम के लिए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया गया था टेम्परेरी। अब आप सोचिए कि इस देश का पैसा, इस देश के लोगों की गाढ़ी कमाई उन पे लगाई जा रही, आपको पता होना चाहिए। इस देश में जो जीएसटी सबसे बड़ा टैक्स उसी से आता है, जीएसटी वसूली जाती है, उनमें गरीब और लोअर मिडिल क्लास से इस देश के खजाना भरता है, 64% वो योगदान देते हैं इस जीएसटी, और जो ये अमीर है जो ऐश करते हैं, जिनके अयाशियां देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं, ये सिर्फ 3% योगदान देते हैं, 3% टैक्स, और वह टैक्स भी वो सीएसआर प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के नाम पर ले लेते हैं। आपको लगता है वो चैरिटी कर रहे हैं, वो चैरिटी नहीं कर रहे होते, उसके जरिए अपने टैक्स की छूट ले रहे होते, यानी वो लूटने के लिए कर रहे हैं। तो यानी वो कोई टैक्स एक प्रकार से नहीं देते, वो टैक्स भी वो वापस ले लेते। यह स्थिति, तो इस असमानता और इस स्थिति में क्या होगा, नरेंद्र मोदी बार बार चाहते हैं कि यही लोग सत्ता में रहे, क्योंकि ये सत्ता में रहते हैं तो ये लोग लाभ देते हैं, इस तरह के लोगों को वो आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने उस वक्त में जब नाटो का सम्मेलन होना है अमेरिका में, वो रूस जाते हैं। रूस जाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन रूस इसी समय जाकर के एक सम्मेलन करने का क्या मतलब, इस समय मतलब है क्योंकि लगातार रूस हमले कर रहा है यूक्रेन पे। यूक्रेन के आज ही उसने एक हॉस्पिटल पे हमला किया, सैकड़ों बच्चे मर गए, सैकड़ों और लोग मरे, हॉस्पिटल्स पे किया है, मानवता के प्रति अपराध किया है। हेग में जहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, वहां पर भी यह प्रस्ताव पारित हुआ कि रशिया इस तरह से गलत कर रहा है, वो युद्ध अपराधी की तरह से हो रहा है। जब इस तरह से हो तब एक अपराधी के साथ खड़े होके, जो मानवता का अपराधी है उसके साथ खड़े होके आप क्या संदेश देंगे?
इसलिए मैं कहता हूं मोहब्बत की दुकान, क्योंकि मोहब्बत की दुकान नहीं खोली, नफरत के बूते व्लादिमीर पुतिन रूस की सत्ता में, और उन्होंने उस देश को टुकड़ों में कर दिया जो सोवियत संघ होता था, यूक्रेन भी उसका हिस्सा होता, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। आज भी अब मैं इसको आता हूं, यह हिंदुस्तान में यही हो रहा है, हमें टुकड़ों टुकड़ों में किया जा रहा है। मोहब्बत की दुकान इसीलिए राहुल गांधी कहते, इसीलिए कहते हैं इसमें सबकी जरूरत। तो राहुल गांधी ने जब ये कहा तो इसका मतलब समझिए, मतलब यह है कि आज राहुल गांधी असम गए जहां बाढ़ आई हुई है, 30 लाख लोग करीब फंसे हुए हैं शरणार्थी कैंपों में हैं और जगह हैं, परेशान हैं, मर रहे हैं, उनका सब बर्बाद हो रहा है, हर साल आता है, कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, कुछ कम नुकसान होता है, कभी ज्यादा होता है, इतना नुकसान हो रहा है क्योंकि वहां की सरकार नफरत में व्यस्त थी, व्यवस्था करने में नहीं, इसलिए यह स्थिति। राहुल गांधी गए, उन लोगों को ढांढस दे सकते थे, अपने लोगों को लगाया कि उनकी कैसे मदद की जा सकती है, और उस सब के लिए किया। उसके बाद वो उस मणिपुर में गए जिस मणिपुर में वो तीसरी बार गए हैं, जहां हिंसा हो रही, जहां लड़कियों की नंग परेड निकाली गई, जहां नफरत की दुकान इतनी सजाई गई, नफरत की मार्केट बाजार की घर घर बट गए, शहर बट गए, गांव बट गए, और सब धोखे, उस तरह की स्थिति है। यह मणिपुर वही है देश की आजादी के लिए सबसे पहले लड़ने वाले उसमें है, उसको इस तरीके से नफरत में आग लगाई गई, लड़कियों की नंग परेड निकाली गई थी, और सब कुछ हुआ था। तब भी राहुल गांधी ने सिर्फ सिंपैथी नहीं जताई थी, उनके पास गए थे, उनके दर्द को साझा किया था, उन्हें गले लगाया था। आज भी वहां 60,000 से अधिक लोग शरणार्थी कैंपों में पड़े हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और तमाम संकट है। आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और उस सुनवाई में सामने आया कि वहां NIT में पढ़ने वाले बच्चे अब वहां नहीं पढ़ सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहां नहीं पढ़ सकते हैं, उन्हें किसी दूसरे में शिफ्ट कर दिया जाए जिससे वो पढ़ सके। यानी इतनी बुरी स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही, लेकिन सरकार को होश नहीं। नरेंद्र मोदी एक बार भी नहीं गए, राहुल गांधी तीसरी बार। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहां से शुरू की और अब मणिपुर के न्याय के लिए लड़ रहे। संसद में भी उन्होंने आवाज उठाई, पहले भी उठाई, और अब उसके लिए आक्रामक है। तो राहुल गांधी उस मोहब्बत के लिए गए, उनको गले लगाया, बच्चों से मिले, सबसे मिले, उनके दर्द को समझा, महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस उनकी साथ लगे कि वो उनको कैसे मदद कर। राहुल गांधी ने इस सिलसिले में वहां के राज्यपाल से भी मुलाकात और कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलिए, कम से कम उनके घाव में मरहम लगाइए, कुछ मदद कीजिए, सिर्फ कुर्सी पे मत बैठी। तो यह संदेश है और उसकी लड़ाई लंबी है, लड़ेंगे वो, यह वो उन्होंने बता दिया है। तो यह इस तरह से मणिपुर को एक प्रकार से अलग तलग छोड़ दिया है, प्रधानमंत्री वहां चुनाव प्रचार तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इससे आप समझिए। उधर आप देखिए, नफरत की ही दुकान का नतीजा है कि कश्मीर में एक अलगाववादी सोच का व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, उमर अब्दुल्ला को चुनाव हराता है, और उस अलगाव वाले व्यक्ति का समर्थन कौन कर रहा है, वो जेल में बंद है, वहां से चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से वही दक्षिणपंथी लोग जो कट्टरवादी, और कट्टरवाद के कारण वो जीता, और वो असल में छद्म तरीके से बीजेपी RSS का बन गया है। इसी तरीके से पंजाब में दो कट्टरपंथी जीते, एक श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले का बेटा है वो जीता है, और एक दूसरा अमृतपाल जीता है जो अपराध तो पंजाब में करता है लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार उसे भाजपा शासित राज्य की जेल में रखती है।
और वहां से पूरा खेल चलता है। आप खेल को समझ ली, तो इस तरह का होता है। तो ये नफरत जिससे कि वहां पर बांट दिया जाए, अकाली दल तोड़ दिया जाए और तोड़ दिया जाए और उसके बाद हम एसजीपीसी पे कब्जा कर लें, यह खेल है भाजपा का। और उसके बाद नफरत का खेल आगे बढ़ाएं जिससे कि हम पंजाब में सत्ता, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में सत्ता के लिए यह खेल खेला गया, दो टुकड़े कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सब ये अलग अलग हो गया, स्टेट छीन लिया, ये खेल हुए। तो इनसे नुकसान किसका हुआ है? नुकसान वहां के आम जन का हुआ है। और वह नुकसान कैसे कराया गया? आपको प्राउड फील कराया गया, क्या आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप मुस्लिम हैं, और इस नफरत में आप दूसरे को कमजोर समझने लगे या दूसरे को नीचा समझने लगे और उस नफरत का पूरा चुनाव यही चल रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी अब नफरत की दुकान में गए हैं, वहां की मार्केट में गए, वहां से उस तरह के कामों के लिए मदद लेने गए। तो आप समझिए इससे भारत का कोई भला नहीं होने वाला, इसे अदानी अंबानी के बिजनेस को जरूर भला होगा, क्योंकि वहां से जो तेल का धंधा है और सब है उससे फायदा उन्हें होगा। यह खेल, तो अब मोहब्बत की दुकान आपको खोलनी है या ये करना है, फैसला तो आपको करना है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा छिपे हुए सच। जय Okay.